अगर आप चाहते हैं तो एक ही बटन से भी आप गाने निकाल सकते हैं, जैसे जहां पे अगर आप ऐसे उंगली रख दे तो वहीं से आपका गाना निकालना स्टार्ट हो जाएगा। हारमोनियम सीखते समय हम जब भी गाने निकालने की कोशिश करते हैं, हम ये कंफ्यूजन में थे कि इतने सारे बटन हमारे पास है तो हम किस बटन से हारमोनियम पे गाने निकाले। लेकिन आज के इस वीडियो पे जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं, उस तरीके को लेकर के आप हारमोनियम पे गाने निकालना सीख जाएंगे। अभी क्या होता है, हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो काली एक से करते हैं, अब काली एक से प्रैक्टिस करते हैं तो हम काली एक पे ही गाने निकालने की कोशिश करते हैं, ये चीज हमें फायदा देता है। लेकिन अगर हम किसी भी जगह से ऐसे ऐसे कर करके अगर हम गाना निकालना चाहे तो हम गाना नहीं निकाल सकते हैं। और वैसे तरीके में, उस कंडीशन में कैसे हम गाना निकाल सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे हम सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फायदा वाला जो चीज है वो कौन सा चीज है, हम जो आकार में प्रैक्टिस करते हैं वो हमें सबसे ज्यादा फायदा दिलाता है अगर हारमोनियम में हम गाना निकालना चाहते हैं। आकार का प्रैक्टिस क्या होता है, चलिए एक बार करवा के देखते हैं और करके देखते हैं, और आप भी ये चीज करना, इससे फायदा क्या होगा इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। आकार का प्रैक्टिस क्या होता है, हम जब इस सरगम को आकार में करते हैं, जैसे कि हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम हारमोनियम के सुरों को पहचान सके कि हम इस कीज को जब प्रेस कर रहे हैं तो इस कीज से जो आवाज है वो कैसा आ रहा है, और इस चीज को करने के लिए हम कैसे इसको पहचान सकते हैं, हमने इस कीज को दबा के रखा है, हमने दमन रुका तो इससे जो आवाज आ रहा है उसके ऊपर हमने अपना आवाज डाला, कैसे डाला, और इस प्रकार से जब हमने आवाज डाला तो हमें पता चल गया कि हाँ यहां से इस प्रकार का आवाज आ रहा है। अब देखिए ऐसे ही अगर आप यहां से यहां तक का पूरा जो सुर है, पूरा जो कीज है यहां से यहां तक का, ठीक है, 12 कीज यहां से यहां तक का 12 कीज आता है, इसे हम मध्य सप्तक बोलते हैं। अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपको अगर पता चल गया कि यहां से यहां तक की कीज में कैसे कैसे कौन कौन से सुर में आवाज आता है, उस चीज को अगर आप याद कर लिए तो अब उसके बाद आपसे गाना कैसे निकलेगा, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो भी बटन आप जिस भी बटन में ऐसे हाथ रख दे उसी एक बटन से आपका गाना जो है स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो कौन से कंडीशन में होगा, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक गाना लेते हैं, आंख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करती हो। तो ये जो गीत है ये किस प्रकार से किस तर्ज पे चलता है, देखिए आंख है भरी भरी, तो ये चीज हमें उसी तर्ज पे गाना है, ठीक है। अब हम इसको बजा के देखें, आंख है भरी भरी ठीक। अब हमने गाया, अभी हम काली एक का कॉर्ड लगाए थे और यहां से हमने गाना निकाल लिया, आंख है भरी भरी और तुम, ठीक, इस प्रकार से हुआ। अभी देखिए मुझे पता नहीं है कि मैं कौन से स्केल में बजाने वाला हूं, लेकिन अगर हम ऐसे कर देते, चलिए इस जगह से हमको उस गाने को निकालना है जो हमने यहाँ पे बजाया, उसे हम यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए तो जो शुरू वाला शब्द है आख, यहाँ पे हमने जो बजाया आख, अभी हम आख, आख है भरी भरी प्रकार से हमने बजाया। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, अगर यहां पे ले जाएंगे तो यहां पे आवाज कैसे आ रहा है किस दबाने पे, आंख है भरी भरी और तुम, अब हमने कैसे गाया इसको, कैसे फाइंड किया, देखिए आंख अब इसी चीज को चलिए हम यहां से निकालते हैं, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे तो कैसे करेंगे फाइंड, फिर इस प्रकार से कीजिए पहले, ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरे गाने को इसी तरीके से निकाल के देखते हैं, यहाँ पे तो इस बटन को हमने ये तो सा से ही निकल रहा था, ठीक है, ये सा से ही निकला, तो यहाँ से हमने यहाँ पे ऐसे हमने गा दिया। अभी देखिए अभी हम दूसरे गाने को इसी मेथड से फिर से बजा के देखते हैं, तो हम यहाँ पे अब गाना लेते हैं मेरे आपकी कृपा से, तो ये जो गीत है
सा से ही निकल गया तो हम दूसरा गाना देखते हैं, ठीक है। सातो जन्म मैं तेरे, तो ये जो ये यहां से भी निकलेगा, लेकिन हम खाली एक पे कहां से बज रहे डायरेक्ट वहां से लेते, उसके बाद दूसरे की से निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो सातो सातो को ही निकाल के देखते हैं। अभी यहां कहां से निकला सातो, फिर से मर भी गया तो मैं तुझे, वो सेम टू सेम ही होगा, ठीक है। अब हमने यहां से लिया काली एक पे, अब इसी चीज को हमें ढूंढना है। मान लो हम ढूंढ रहे हैं और ऐसे हमने यहां पे हाथ रख दिया, ठीक है। अभी हमने यहां से निकाला था, हमने ऐसे यहां पे हाथ रख दिया, तो यहां से कैसे निकल सातो 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 जन्म मैं तेरे, ठीक। हमने यहां से पॉइंट किया, अब इसी चीज को हम यहां पे हाथ रख देते हैं। अब देखिए जो आवाज वहां से आ रहा है उसी आवाज पे हमें सातो 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 आवाज को सुनिए। आवाज को अगर आप सुनेंगे तो आपको गाना ढूंढना बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। आवाज पे ही पूरा मिलाना है। अभी हमने यहां से देखा, आवाज को सुनते रहना, ठीक है। जैसे जैसे वहां से आवाज आ रहा है या मेरे मुंह से जैसे आवाज आ रहा है, उसी कीज को मैं ढूंढूंगा कि वो कीज कहां पे है और वो आवाज कहां पे है। देखिए सातो सातो से ढूंढिए। मतलब आवाज आप जो गाना गा रहे हैं उसको आकार में गाते रहिए और आवाज जैसा उस गाने में है उसकी इसको ढूंढिए कि वो आवाज कहां पे है। या ऐसे भी कर सकते कि जो गाना आपने सेलेक्ट करके रखा है तो आप इस कीज को जैसे आपने दबा दिया, अब इसी को आप उस शब्द को इसी पे इसी के आवाज के अनुसार बना के देखिए।